दिल्ली के समयपुर बादली इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जो समाज को छकछोर देने वाली कड़वी हकीकत है। जन्म देने वाले माँ बाप ने अपनी ही दो मासूम बच्चियों को घर में ही मरने के लिए छोड़ दिया। एक हफ्ते से बंद कमरे में एक टूटी चारपाई पर एक दूसरे का हाथ थामे यह दोनों मासूम बहनें दम तोड़ने की कगार पर थीं, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ बच्चियों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों के सिर पर जगह जगह गहरे घाव थे और उनके जिस्म में सैकड़ों कीड़े रेंग रहे थे। कमरे का यह खौफनाक मंजर देखकर पुलिस भी दंग रह गई। बताया जा रहा है कि पिता उन पर सितम ठाता रहा और माँ इकलौते बेटे को साथ लेकर चली गई। महज 8 साल की हिमांशी और 3 साल की दीपाली का कसूर सिर्फ इतना था कि वह बेटियां हैं। पिता शराब में धुत रहता था और कोई काम नहीं करता था, जिसकी वजह से माँ करीब 2 महीने पहले ही बेटे को अपने साथ लेकर चली गई। दोनों बच्चियां अकेली माँ की याद में तड़पती रही और बाप भी इन्हें कोसता रहा और आखिरकार 15 अगस्त को पिता भी छोड़कर चला गया। अस्पताल में भर्ती दोनों बच्चियों की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फिलहाल बच्चियों के माँ बाप की खोज में जुटी पुलिस को उनकी दादी के बारे में पता चला। ओल्ड एज होम में रहती हैं, लेकिन दादी ने भी बच्चियों को लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों बच्चियों को रिहेबिलिटी सेंटर भेजा गया है। जिस देश में दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है, वहां इस तरह से बच्चियों को मरने के लिए छोड़ देना वाकई में समाज को शर्मसार करता है। देखते रहिए डीबी लाइव।